एवरीबडी माई डियर स्टूडेंट्स लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू। तुम कैसे हो? मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम ऑल्सो फाइन। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। टुडेज टॉपिक फ्यूचर। फ्यूचर अपना टॉपिक रहेगा। पिछले वीडियो मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों क्लियर कराए। प्रेजेंट के चारों टेंस बताए, इनडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही मैंने आपको पास्ट के दोनों चारों क्लियर कराए, पास्ट, इनडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक पेपर सेंड किया था जिसमें केवल प्रेजेंट और पास्ट की ही वर्ब भरनी थी, जिससे कि आपको वर्ब भरने में कोई प्रॉब्लम फील ना हो, अंडरस्टैंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ सकें और उसको सही तरीके से पढ़ सकें। इसलिए मैंने आपको केवल उस पेपर में प्रेजेंट और पास्ट का ही दिया था। और आज मैं आपको फ्यूचर के बारे में समझाऊंगा। फ्यूचर का फर्स्ट सेंटेंस लेंगे अपन, फर्स्ट टेंस फ्यूचर इनडेफिनिट। ओके, हम ये तो पहले से ही जानते हैं कि इनडेफिनिट, अनिश्चितता, कि कोई सा भी इनडेफिनिट हो उसमें केवल कार्य की चर्चा होती है, चाहे वो प्रेजेंट इनडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इनडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इनडेफिनिट हो, केवल कार्य की चर्चा की जाती है। उसमें ये शो नहीं किया जाता है कि कार्य हो गया है या हो रहा है। बस हम एक जस्ट लाइक टू डेली रूटीन के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई मैं ये करूँगा, जस्ट जस्ट लाइक ए प्लानिंग। बट ये शो नहीं होता है कि कार्य हो रहा है या हो चुका है इनडेफिनिट से केवल। अच्छा, इस टेंस के जैसे अपन हिंदी में इसके रिकॉग्नाइज करें या इसकी पहचान कहें, तो हिंदी में इस टेंस के क्रिया के अंत में गागी गे शब्द आते हैं। मोस्टली जैसे हम कहें कि वह गांव जाएगा, तो जाएगा, गा आ गया। लेकिन अगर हम दूसरी डेफिनेशन भी लें तब भी इससे क्लियर हो रही है कि वह गांव जाएगा, मतलब वह गांव जाने की एक प्लानिंग बना रहा है या हम उसके गांव जाने की एक प्लानिंग सोच रहे हैं कि वह गांव जाएगा। बट लेकिन कार्य की को मतलब उसमें कार्य किसी प्रकार का मतलब सो नहीं हो रहा है, केवल हम उस कार्य की डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो डेफिनेट का, इनडेफिनेट का मतलब ही ये होता है, अनिश्चितता, केवल कार्य की चर्चा होना। प्रेजेंट में तो प्रेजेंट इनडेफिनिट हो जाता है, पास्ट है तो पास्ट इनडेफिनिट हो जाता है, फ्यूचर है तो फ्यूचर इनडेफिनिट हो जाता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों से भविष्य में या फ्यूचर में होने वाले किसी कार्य की चर्चा की जाए, तो उन वाक्यों को हम फ्यूचर इनडेफिनिट में बनाते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई एक इसकी हिंदी पहचान। अच्छा, इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। टोटल फ्यूचर, इन फ्यूचर में बिल और सेल मतलब एक हेल्पिंग वर्ब दी जाती है, जिसमें कर्ता आई और वी के साथ हम, कर्ता आई, आई माने मैं और वी माने हम, कर्ता आई और वी के साथ तो हेल्पिंग वर्ब सेल ली जाती है और शेष कर्ताओं के साथ हम बिल का यूज करते हैं। कर्ता आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं? सेल, और शेष कर्ताओं के साथ बिल का यूज करते हैं। और मेन वर्ब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की, इतना इसमें होता है। जैसे मैंने एक देखो एक सेंटेंस लिया है, फॉर एग्जाम्पल, मीरा कल अपने गांव जाएगी। अब मीरा मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ अपन सेल यूज करते हैं, शेष पर्सन के साथ अपन बिल यूज करते हैं। अब मीरा क्या है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या आना है? बिल आना है। तो ये हो जाएगा मीरा बिल गो टू हर प्लेस टुमारो। मीरा गो टू
हार्ट रिलीज टुमारो। ओके, अब जैसे अपन मतलब और भी एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे क्या तुम कल विद्यालय आओगे, क्या तुम, तो विल यू कम टू स्कूल टुमारो, विल यू कम टू स्कूल टुमारो। तुम कल कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे यानी कि कहाँ, अपन कह सकते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स लाओ, वे आओ। तुम कल कहाँ जाओगे, वेयर सबसे पहले, अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वेयर विल यानी कि यू है, यू आई मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ सेल, से सब के साथ क्या आता है, विल, तो इसमें विल आएगा, तो ये जगह वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे घर कौन आएगा, हु विल कम टू योर हाउस, हु विल कम टू योर हाउस, योर हाउस और क्वेश्चन। ओके, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और आसानी से इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे लिख करके भेजो या मुझे कॉल करो और अपनी हर समस्या को सॉल्व करो। आई विल टेल यू अबाउट इट अगेन एंड अगेन एंड आई विल नॉट, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि जस्ट लाइक टू बोरिंग, बट आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई स्टूडेंट मुझसे आस्किंग करता है अबाउट द टॉपिक। आई एम वेरी हैप्पी, आई फील बेटर। तो ये है, अब इसमें क्या है, अब इसके बाद आता है, अब जैसे अपन अब आते हैं अपने जो मतलब मैं जो ये टॉपिक जिसके लिए अपन पढ़ रहे हैं, और हर टॉपिक अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए कर रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, प्रिपेयर हो रहे हैं। अब बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है जो भरने के लिए अपन को भरनी पड़ती है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए अपन को क्या है कि मेन एडवर्ब याद होनी चाहिए, मेन एडवर्ब, और उसके हेल्पिंग वर्ब और उसके रूल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन को आनी चाहिए। तो इसके अब मैंने एडवर्ब देखो, मेन एडवर्ब क्या है, इसके मेन एडवर्ब हैं टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ और द नेक्स्ट ईयर, मतलब टुमारो या नेक्स्ट वगैरह कुछ भी जुड़ जाए तो वो सारा फ्यूचर हो जाता है। जैसे सी ब्लैंक टीच अ लेसन टुमारो। अब देखो इसमें टुमारो दे रखा है, तो टुमारो से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर इनडेफिनिट है, फ्यूचर इनडेफिनिट है। तो अब इसमें क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि फ्यूचर इनडेफिनिट है। अब करता क्या है, सी, सी क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ अपन क्या लाते हैं, विल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा सी विल टीच अ लेसन टुमारो। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस मैं आपको फिल करने के लिए दूंगा जो आपको फिल करने हैं, बशर्ते आपको इसके सारे रूल्स मेन एडवर्ब याद रखने हैं। कुछ मैं सेंटेंस आपको हिंदी में बोल रहा हूँ जो आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो लिख करके आसानी से अपनी कॉपी पे। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, तुम कल कहाँ से आओगे, तुम कल कहाँ से आओगे, तुम कल कौन सी पुस्तक पढ़ोगे, तुम कल कौन सी पुस्तक पढ़ोगे, क्या तुम कल मुझे पढ़ाओगे, क्या तुम कल मुझे पढ़ाओगे, हम कल अपने गांव जाएंगे, हम कल अपने गांव जाएंगे, मेरा पड़ोसी मुझे कल बुलाएगा,
मेरा पड़ोसी कल मुझे बुलाएगा। तुम्हें कौन बुलाएगा? तुम्हें कौन बुलाएगा? मैं तुम्हें याद करूंगा, मैं तुम्हें याद करूंगा। इस प्रकार से ये मैंने जो फ्यू सेंटेंस बोले हैं, इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और मतलब पहले लिसन सही तरीके से इनको सुन के फिर क्या बोलते हैं, कॉपी पे राइट करना उनको, और फिर कॉपी पे इनको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना। और चाहो तो मुझे इन सारे सेंटेंस को आप बना करके सेंड कर सकते हो, तो मैं इनको चेक कर लूँगा। ओके फ्रेंड्स, आज इतना ही। ओके।